भाई साहब, आज आपके लिए मैं क्या लाया हूँ मोटिवेशन, क्या आज बहुत एक जरूरी बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे भाई देखें, हम कोई भी चीज करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, देखो सीधी सी बात है, एक चीज ऐसी है ना जो बंदा मानेगा ही नहीं, बोलेगा नहीं मैंने ये किया ही नहीं है। भाई देखो, हर बंदा एक दूसरे को कॉपी करता है, ठीक है ना, ए टू जी सारी चीजें ना कोई किसी को देख के करता है। अच्छा उसकी सेल अच्छी आ रही है, चलो ये बेचता हूँ, वो ये बिजनेस अच्छा कर रहा है ये बेचता हूँ, लेकिन एक पूरा रेला होता है 100 लोगों का, ठीक है ना। अब देखो भाई, आप सेम कॉपी करोगे, ए टू जी आप कॉपी करोगे तो भाई आपका कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं हो सकता आपका। आपको हमेशा वैल्यू एडिशन पे जाना है, ठीक है, आपको हमेशा उस तरफ जाना है कि भाई कुछ अलग करना है, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन अलग देनी है अपने कस्टमर को, या आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप जो भी सर्विस कर रहे हो, आपको अपने कस्टमर को एक अलग वैल्यू देनी है। अब वो प्रोडक्ट हो गया या आप कोई सर्विस बेचना चाह रहे हो। दूसरी बात, आपको पहली बात तो ये हो गई कि भाई वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, आपके बिजनेस में। अब वो किसी भी तरह का बिजनेस हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा दूसरी बात ये है भाई कि काफी सारी चीजें ऐसी होंगी, जैसे कि मैं भी देखें दराज सिखाता हूँ, ठीक है ना, दराज मैं दराज पे काम करता हूँ, तो मैं दराज के बारे में गाइड करता हूँ लोगों को। तो काफी सारे लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं कि नहीं यार साथ भाई, ये बात है ना मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब ये बात आपकी मुझे समझ नहीं आ रही, तो अब बच्चे को क्या करना चाहिए, जो मेरा स्टूडेंट है या जो दूसरा बंदा है, मेरा दोस्त है, वो कह रहा है कि साथ ने ये चीज मना की है, इसको एक्सपीरियंस तो है साथ को, लेकिन मैं अगर आप मुझसे पूछोगे ना भाई, मैं नहीं सुनता किसी की। मैं कहता हूँ कितना नुकसान होगा, 2 लाख का नुकसान होगा। मैं कहता हूँ चलो ठीक है भाई, मंथली मैं 40% सेविंग कर रहा हूँ, इस मॉडल पे मैं अगर जाता हूँ, इस सिस्टम पे मैं अगर जाता हूँ, मुझे 2 लाख का लॉस होना है। मैं कहता हूँ ठीक है, पहले मैं लॉस को कैलकुलेट करता हूँ कि भाई लॉस मेरा कितना हो सकता है, क्या मैं 2 लाख रुपए के लॉस को बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैंने कहा कि हाँ मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मतलब मेरी 40,000 रुपए मंथली सेविंग है, 2 लाख में 5-6 महीनों में रिटर्न कर दूंगा अगर मेरा लॉस होता है तो, ठीक है। ये मैंने सिस्टम बनाया और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। अब मैंने कहा कि भाई स्टार्ट करने से पहले फायदा कितना है, भाई फायदा कितना है, फायदा मुझे नजर आ रहा था 20 लाख रुपए का, नुकसान होना था मैं 2 लाख रुपए का। मैंने कहा भाई इसमें बिस्मिल्लाह करके लगा दो, हर बंदा मना कर रहा था, और इस तरह के मैंने 2 से 3 बिजनेसेस किए हैं और मुझे उसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई अगर बिल्कुल कॉपी पे जाओगे, बिल्कुल कॉपी करोगे, तो बहुत कम इनकम होती है। जितना रिस्क फैक्टर आप हाई करते हो ना, उतनी ज्यादा इनकम होती है। अब उसी तरह दराज पे बात करते हैं, मैं कहता हूँ भाई 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए लगाने, 50,000 रुपए का आप प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है, ऑन एन एवरेज। देखो इसमें यही होता है कि भाई जितना पैसा डाला आपने, जितना बड़ा रिस्क लिया, जितने सारे प्रोडक्ट डाले, जितनी आप खज्जल खुआरी कर रहे हो, उतने आपको मेहनत का फल मिलता है भाई। किसी की मेहनत जाया नहीं होती, किसी को रिटर्न में प्रॉफिट आता है, किसी को रिटर्न में एक्सपीरियंस आता है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।